इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(f)(1) काला कानून है। फैसल वावड़ा की ताहयात नाअहली के खिलाफ अदालत उज़्मा में दायर दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)(f) काला कानून है, मौजूदा केस को मुहतात होकर सुनेंगे। दुराने समाज वकील वसीम सज्जाद ने अदालत को बताया कि फैसल वावड़ा ने 2018 में इंतखाबात लड़े और 2 साल बाद इनके गलत बयान हल्फी पर नाअहली की दरख्वास्त हाईकोर्ट में दायर हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हल्फी पर तहकीकात का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के ताहयात नाअहली के हुक्म को कल अदम करार भी दे तो हकायक तो वही रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वावड़ा केस में हकायक का दुरुस्त जायजा लिया है।